नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं जूही सिंह। हम्पी, कथाओं, इतिहास और आश्चर्य का शहर हम्पी। दक्षिणी भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेत्ताओं को कई भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरी बुनियादी ढांचे मिले हैं। इसके बाद 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। साम्राज्य की राजधानी बनने से कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी, तभी से यह मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक पड़े पत्थरों से बनी है। इस मंदिर के अवशेष हेमकुट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस जगह पर पहले एक वानर साम्राज्य होता था। उन पौराणिक पूर्वजों के वंशज आज भी इन ग्रेनाइट पहाड़ियों पर उछल कूद मचाते हुए देखे जाते हैं। आज की तारीख में चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। इस इलाके में 500 से ज्यादा मंदिर मौजूद है। उन सब में से विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। इस प्रांगण में दरवाजे, मंदिर, मीनारे और सुनसान पड़े प्रांगण शामिल है। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घूमा करते थे। विट्ठल मंदिर में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। विट्ठल मंदिर के प्रांगण में एक अंदरूनी बरामदा और 3 दरवाजे शामिल हैं, जिनके साथ लोगों के चलने के लिए बने गलियारे आज भी सुनसान पड़े हैं। हम्पी में मौजूद ज्यादातर इमारतों की तरह ये गलियारे भी ग्रेनाइट से बने हैं और इन पर बारीक नक्काशी का काम किया गया है। रंग मंडप के अंदर एक मंच होता है, जिस पर बैठकर पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम किए जाते हैं। 56 खंभों वाला यह रंग मंडप विट्ठल मंदिर में मौजूद है। विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास का एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। इन शानदार इमारतों को अच्छे से देखने, उनका इतिहास समझने और उनका पूरा अनुभव लेने का समय सिर्फ कुछ ही पर्यटकों के पास होता है। हालांकि आम पर्यटकों को भी हम्पी के इन अवशेषों को देखने के बाद भारत के विशाल इतिहास पर गर्व होता है। वे इन इमारतों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए नए तरीके और सैकड़ों सालों से चले आ रही हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।